सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द यूविया। यूविया और द यूवियल ट्रैक्ट इज कम्प्राइज्ड ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स, दैट इज आयरिस, सिलरी बॉडी एंड द कोरोइड। द आयरिस इज ऑल्सो नोन एज पार्स प्लाकेटा, मतलब आयरिस नहीं सॉरी, सिलरी बॉडी के दो पार्ट होते हैं, पार्स प्लाकेटा, एक होता है पार्स प्लेना। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज आयरिस। आयरिस गिव्स द कलर टू द आई। Now, iris has got a, you have already studied that iris has a peculiar pattern or peculiar shape. So, that is because of the collarette and this arrangement of the sphincter and dilator pupillae muscles. Iski wajah se hota hai appearance. So, you can see this is in the diagram. The iris root is the peripheral iris. Then, in the center, you can see the sphincter pupillae or the constrictor muscle, and then radial spokes are present, which forms the dilator pupillae, and around the sphincter pupillae there is a collarette present. ठीक है, then we studied about see about the blood supply of the iris. Here you can see there is an this out सबसे बाहर वाला structure जो है वो total iris को represent कर रहा है। उसके अंदर जो black से structure बना है वो दिखा रहा है major arterial circle, और फिर उसमें से जो रेडियल वेसल्स निकल रही हैं वो तो रेडियल स्पोक्स इधर दिख रही हैं, और फिर अंदर जाके एक माइनर आर्टीरियल सर्कल है। नाउ द थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द आयरिस इज द आयरिस रूट, दैट इज द पेरिफेरल आयरिस, एंड थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द आयरिस इज द कोलरेट, दैट इज द सेंटर आयरिस। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्फिंक्टर पीपुलाए एंड डायलेटर पीपुलाए। स्फिंक्टर पीपुलाए होती हैं वो सर्कुलर मसल्स होती हैं। ठीक है, जो डायलेटर पीपुलाए होती हैं वो रेडियल मसल होती हैं। स्फिंक्टर्स आर सप्लाइड बाय पैरासिम्पेथेटिक इनोवेशन एंड डायलेटर बाय सिंपेथेटिक इनोवेशन। स्फिंक्टर आर द शॉर्ट सिलरी नर्व्स। ठीक है, स्फिंक्टर पीपुलाए जो होती हैं वो शॉर्ट सिलरी नर्व्स सप्लाइड होती हैं, वेयर एज द डायलेटर पीपुलाए सप्लाइड बाय द लॉन्ग सिलरी नर्व। स्फिंक्टर पीपुलाए जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपका पीपुलरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि मियोसिस होगा, और डायलेटर पीपुलाए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मिट्रियासिस यानी डायलेशन ऑफ द पीपल होगा। ठीक है, ना हाइफीमा, हाइफीमा का मतलब होता है ब्लड इन द एंटीरियर चेंबर, और सोर्स ऑफ ब्लीड क्या होगा, तो इट इज द मेजर आर्टीरियर सर्कल एट द रूट ऑफ द आयरिस, दैट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन द एंटीरियर चेंबर, दैट इज नोन एज हाइफीमा। नाउ वी कम ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूविया, दैट इज सिलरी बॉडी। इट इज मेनली ऑफ द सिलरी मसल्स विच इज सी द पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स। ठीक है, अब इसमें तीन तरह के फाइबर होते हैं, एक रेडियल फाइबर्स होते हैं, एक लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिक फाइबर्स। ठीक है, सॉरी, एक सर्कुलर होते हैं, फिर लॉन्जिट्यूडनल और रेडिकल या फिर ऑब्लिक फाइबर्स। तो जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेशन। लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द ट्रैबिकुलर एक्वस फ्लो, एंड द ऑब्लिक फाइबर्स दे हेल्प इन द यूवियो सैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, सी नाउ देयर आर थ्री कोर्ट्स ऑफ द आईबॉल, एज यू ऑलरेडी नो दैट इज क्लेरा, देन द कोरोइड एंड द रेटिना। सो नाउ दिस कोरोइड, द सेकंड लेयर which is the vascular layer of the eyeball, is basically a part of the uvea. ठीक है, so the outer layer of this larger vessels that is present in the choroid is known as the Haller's layer. The middle layer of the medium sized vessel is known as the Stoller's layer, Stoller's, Stoller's layer, and then the inner layer of the capillary is known as choriocapillaries. फिर इसमें ब्रूक्स मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोरोइड, बट इट इज एक्चुअली द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम। ठीक है, देन यू हैव द कोरोइडल वीनस ड्रेनेज, दैट इज वॉर्टेक्स वेन्स से इसका वीनस ड्रेनेज होता है बेसिकली, विच आर फोर इन नंबर। इक्वेटर ऑफ द आईबॉल इज विद रिस्पेक्ट टू द वॉर्टेक्स वेन्स। ठीक है, 4 mm बिहाइंड द लिम्बस होता है इक्वेटर ऑफ आईबॉल। देन कोरोइडल वैस्कुलरेचर विजुअलाइजेशन के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसको एंजियोग्राफी करते हैं, और उसमें हम इंडोसाइरिन ग्रीन डाई का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द यूविया। थैंक यू।